गया शेर गया, हल्का लो हो गया और क्या नहीं मान पा तू लिया। तो दारू पी गया ना। अरे लप जा आपे लप पहले नल मारूंगी। आने नहीं खिलौन देना और हट ले। प्यारी है माशाल्लाह, इसने मुझे पप्पी कर। प्यारी प्यारी जगह, प्यारी प्यारी सुबह, गांव की सुबह का मजा ही अलग होता है। मैं हूँ मारिया खालिद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मारिया खालिद ऑफिशियल। तो व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि ठीक ठाक ही हूँ मैं, क्योंकि कल जो है हमने मुल्तान से जंग तक का सफ़र जो है तय किया है और बहुत बुरी हालत में तय किया है। मतलब कि 2 से 3 घंटे का सफ़र हमने 6 घंटों में जो है ना तय किया है। इतनी गंदी बस मिली थी हमें कि हम जो है ना सफ़र कर करके थक गए। इसी वजह से जो है मैं अपना ट्रैवल व्लॉग भी मुकम्मल नहीं कर पाई। तो अभी जो है हम जंग में मौजूद हैं, यहाँ पर आके मैंने जो है अपना प्यारा सा व्लॉग जो है शुरू कर दिया। मैंने कहा अपने व्यूवर्स को जो है अपने साथ साथ जंग की सैर करवा दें। तकरीबन 8 साल बाद जो है ना हम जंग आए हैं और इस वक्त जो है मैं यहाँ पे आके बहुत हैप्पी हूँ। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये मेरी खाला का घर है और मैं अपने खाला के घर में इस वक्त मौजूद हूँ। देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा खूबसूरत घर है। जब मेरी खाला ने ये बनाया था ना, उस वक्त से लेकर अब तक मुझे कह रही हूँ मारिया हमारे घर आओ, हमारे घर आओ, हमारे घर आओ, लेकिन मारिया को टाइम नहीं मिल पा रहा था। मारिया ने इस दफ़ा फैसला कर लिया था कि मैंने हर हालत में अपनी खाला के घर जाना है, विजिट करना है और अपने व्यूअर्स को भी दिखाना है। तो व्यूअर्स इस वक्त जो है जंग की हम सैर कर रहे हैं, आप लोगों को जो है पूरे जंग की सैर करवाएंगे। साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल के साथ साथ बन रहे हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से रेड कलर के बटन को दबाएं और सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि मेरी आने वाली चुलबुली सी प्यारी प्यारी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो व्यूअर्स चले जी आज के व्लॉग को, आज के दिन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी ये देखें जी, यहाँ पे हम छत पे जड़े हुए थे, हमें यहाँ से जो है जंग नज़र आ रहा था। मैंने कहा आपको भी दिखाएं, देखें कितना प्यारा खूबसूरत व्यू है। इस वक्त मैं आंटी की छत पे खड़ी हूँ और यहाँ से जो है बाहर का व्यू एंजॉय कर रही हूँ। सुबह हुई है हमारी अभी अभी और अभी जो है हम तैयार श्यार होंगे और जो है ना सैर करने के लिए जाएंगे। वो भी सारा कुछ आपके साथ जो है शेयर करेंगे। आज का पूरा दिन जो है आप लोगों के साथ शेयर होगा। अच्छा जी अभी हम छत पर, हमने बहुत बातें कर ली हैं, अब हम जो है नीचे जा रहे हैं। ये सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से बड़े आराम आराम से उतरना चाहिए क्योंकि मेरे जैसी पागल जो है ना गिर भी जाती है। ये देखें जी ये सीढ़ियों से हम नीचे जा रहे हैं और ये जी देखें यहाँ पे जो है ये सहन इनका बरामदा है। ये देखें जी ये हमारी आंटी का किचन है। बस अभी जो है हम घर से बाहर आ चुके हैं और बाहर का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी मैंने रेडी शेडी होना है और अपनी जो है ना और भी वीडियोस बनानी है और हमने ज़रा जाना है फूफो की तरफ, तो वो भी आपको जो है सारा दिखाएंगे। फिलहाल जो है आप यहाँ का व्यू एंजॉय करें, मेरी खाला का घर देखें। देखें प्यारा है ना माशाल्लाह, सबने माशाल्लाह कहना है। देखिए मैं पहली दफ़ा इधर आई हूँ, मैंने आंटी का घर ये पहली दफ़ा देखा है। मेरी बहनें और अम्मी इस वक्त जो है घर पे मौजूद हैं और ये मुझे इस टाइम देख रहे हैं जी। मैं आंटी के घर के बाहर खड़ी हूँ और देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। अभी मैंने मुंह नहीं धोया फिर भी प्यारी लग रही हूँ, जब मुंह धोऊंगी कितनी अच्छी लगूंगी, है ना। तो ये देखो आंटी का घर माशाल्लाह बहुत बहुत ज़्यादा प्यारा है। अल्लाह पाक इनको जो है इसमें रहना नसीब करे और इनको जो है मज़ीद बड़ा घर दे। आप लोग भी सब जो है आमीन कहें, क्योंकि किसी के लिए अगर हम दुआ करते हैं ना तो हमारे लिए भी बहुत सारी दुआएँ होती हैं, तो इसलिए एक दूसरे के लिए दुआ करते रहना बहुत ज़रूरी होता है। और अभी जो है हम यहाँ का विज़िट कर रहे थे तो हमारी एक फ़ैन भी हमें मिली है, उनके साथ भी थोड़ी देर में जो है ना हम वीडियो बनाते हैं और आपको भी उनसे मिलवाते हैं। तब तक आप जो है यहाँ का व्यू देखें और मुझे तो आप देखते ही रहते हैं, एक दफ़ा फिर से देख लें, कोई नहीं बर्दाश्त करना सीखो, ये मुसीबत आपके पीछे पड़ी ही रहनी है। एक बात है ना, हमें हमेशा वो जिसे कहते हैं ना नानी यानी रियासत की शहजादी बना देती है, वो ये बात है। जब भी हम जो है अपनी खाला की तरफ, नानी की तरफ या मामों की तरफ जाएं तो हमें ना पेट भर भर के खाना खिलाया जाता है। तो मेरे साथ भी आज ऐसा ही कुछ हुआ है। मैं सुबह उठी हूँ, मुझे सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं है, लेकिन मेरी आंटी कभी मेरे लिए चाय ला रही हैं, कभी बिस्किट ला रही हैं, कभी अंडे ला रही हैं, कभी चावल बना रही हैं, कभी गोश्त बना रही हैं। मैंने कहा आंटी मैं तो बेचारी नॉर्मल सी छोटी सी लड़की हूँ, मुझसे इतना सब कहाँ खाया जाएगा, मैं तो हवा खा लूँ, मेरे लिए बड़ी काफी की होती है। आप बताएं जब आप अपने जो है नान के जाते हैं तो आपके साथ कैसा रिएक्ट होता है? आपको भी मतलब इसी तरह से जो है बड़ा चढ़ा के खिलाया पिलाया जाता है और मोटे ताजे करके वापस भेजा जाता है? मुझे लग रहा है मैं इस दफा जो है ना मोटी ताजी होके वापस जाऊंगी।
अच्छा जी, अभी जो है हम लोग जा रहे हैं आंटी के दूसरे घर। मैंने सोचा था अभी तैयार श्यार होती हूँ तो और कहीं जो है ना, हमने हीर रांझे के मज़ार पर जाना था, पोपो के घर जाना था, और भी बहुत सारी जगह पे जाना था, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर मेरे बहुत सारे व्लॉग बनने वाले हैं। तो अभी जो है हम आंटी के दूसरे घर जा रहे हैं, उधर से जो है हम आपको सारा अपना जो है जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर जो है हम जहाँ जहाँ भी गए, जैसे कि मैंने आपको बताया हीर रांझे के मज़ार पर जाना है और पोपो के घर भी जाना, तो वो भी सारे जो है ना उसका एक अलग व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी आपको जो है मुझे कुछ मुर्गे नजर आए हैं, वो जिसे कहते हैं ना राजी या कुकड़, तो मैंने वो नजर आया तो मैं वो तन दिखाने। अच्छा जी, ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत प्यारा सा जो है यहाँ पे कुकड़ शुकड़ है, और इस तरह के कुकड़ को हम कहते हैं राजीजा कुकड़, जिसको हमने भुन के खाना है। तो नहीं नहीं, मैं इसको खाने नहीं वाली, ये जो है बड़ा प्यारा सा कुकड़ है, तो इसको खाते हुए अच्छे नहीं लगते बंदा। अभी पापा और आंटी जो है उधर को जा रहे हैं, इनका जो दूसरा घर है हम वहाँ पे जाएंगे विजिट करने के लिए। और इधर का भी ये इलाका देखें, यहाँ से हम घूमते घुमाते हुए जो है जा रहे हैं। माशाल्लाह, प्यारा प्यारा व्यू, प्यारी प्यारी जगह, प्यारी प्यारी सुबह, गांव की सुबह का मज़ा ही अलग होता है। वैसे जो है ये इतना गांव नहीं रहा अब, पापा जो है वो बता रहे थे कि हम जब पहले आते होते थे ना, तो यहाँ पे जैसे ये शहर है, ये शहर नहीं होता था, ये बहुत ज़्यादा बड़ा जो है गांव होता था। यहाँ पे जो है खजूरों के दरख्त लगे होते थे और पता नहीं क्या क्या लगा होता था। अब जो है यहाँ पर हर तरफ घर ही घर बन गए हैं, तो मतलब आबादी जो है बदलते हुए पता ही नहीं चलता बंदे को यार, वक्त बदलता है, वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल जाती हैं, और चीज़ें बदलती भी ऐसी हैं कि बंदे की पहचान में भी नहीं आती। कमाल नहीं हो गया। ऐसे थोड़ा गया ना एक्सप्लेन कर कर देखो नागरिक, आजकल की नई टेक्निक के आबादी के अंदर कमाद का खेत लगा हुआ है, कमाद का खेत। कोई नहीं बता रही, ब्लॉग बन रहा है। हाँ जी, बना दो बता दो, जरा इधर ये कैमरा दिखाओ ना, ये देखें जी चारों तरफ घर बने हुए हैं और बीच में एक प्लाट है जिसमें कमाद, इसको कमाद भी कहा जाता है, गन्ने का खेत। आबादी के बीच में गन्ने का खेत बना हुआ है, बीच में गन्ने का खेत, जबरदस्त। ये देखें जी, खूबसूरत जो है साग का खेत है यहाँ पे। मुझे नहीं पता इसको साग की प्याली कहा जाता है, खेत कहा जाता है, क्या कहा जाता है। बस मैं जो है ओंगियाँ बोंगियाँ मार रही हूँ, बाकी खुद ही गैस कर लो। बहुत दूर से मेरे खालू आते नजर आ रहे हैं, ये मेरे जो है खालू हैं और इधर ये खाला हैं। भाई यार, ये साग के हरे भरे खेतों में जो है मैं चल रही हूँ, और यहाँ पे मतलब इतना सफ़र करके हमें आगे जाना पड़ रहा है, और चलते चलते मेरा सांस फूल रहा है। वैसे मैं बड़ी ही हैप्पी भी हूँ यहाँ पे आके, गांव टाइप इलाका है ये, मेरे पीछे का सारा व्यू आप चेक कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत है। ये देखें जी, ये सारे जो है गन्ने के खेत हैं, यहाँ पे साग के खेत हैं, आम के दरख्त लगे हुए हैं, और पता नहीं कौन कौन से दरख्त लगे हुए हैं, और अब वो आगे सारे भागते जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे ब्लॉग बनाती जा रही हूँ। और रुक जाओ, मैंने मिल है जो, मैं बेचारी कल्ली इतने रह गई, मुझे भागना पड़ रहा है, सारे आगे निकल गए मैं पीछे रह गई। फाइनली हम जो है आंटी के दूसरे घर पहुँच चुके हैं, अभी ताले शाले खोल रहे हैं, और मेरी भाग भाग के बस हो गई, मुझे छोड़ के सारे जो है ना आप आगे आ गए थे और मैं पीछे पीछे रह गई थी। और अभी जो है हम माशाल्लाह आंटी के घर में दाखिल हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ज़बरदस्त खूबसूरत गायें हैं और बकरियां हैं यहाँ पे, ये प्यारी से बछड़ी भी है, पता नहीं बछड़ा है। पिछली वीडियो में मैंने जो है बछड़ियों को बछड़े बना दिया था, बछड़ों को बछड़ियाँ। तो ये देखिए प्यारी प्यारी जो है बकरियाँ हैं और ये गायें हैं, गायें हैं ना, पक्की बात है। बड़ा ही प्यारा खूबसूरत व्यू है, ये सारा घर है, घर में जो है, घर अभी मेरे ख्याल में बन रहा है, अभी तो यहाँ पे सिर्फ ये डंगर शंगर बने हुए हैं, और जैसे कहते हैं डंगरा का वाड़ा, तो ये डंगरा का वाड़ा है। मुझे ठीक से कहा भी नहीं जा रहा। हेलो, क्या हाल है, कैसी हो, ठीक हो, तबीयत से ठीक है, घर बार ठीक है, बाल बच्चे ठीक है, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। वो कहती है नहीं ठीक, पक्की गल है नहीं ठीक, क्यों नहीं ठीक भाई। अरे ये हमारी लिए मंजी यहाँ पे आंटी ने बिछा दी है, और इस मंजी पे बैठेंगे, लेकिन इनसे तो प्यार करें। ये देखिए कितनी प्यारी मेमिया है,
व्यूअर्स, अभी जो है मैं आपको नहीं बता सकती मैं कितनी हैप्पी हूँ। ये देखो मेरे पास छोटी सी मेमी है, बड़ी प्यारी क्यूट सी। ये बकरी है, ये देखें, बकरी और मैं एक जैसे ही लग रहे हैं, दोनों के फेस भी एक जैसे ही। ये देखें जी कितनी प्यारी है, माशाल्लाह। इसने मुझे पप्पी कर कितनी प्यारी प्यारी है। अलीजा ये देखो मेरे पास छोटी सी मेमी है, देखो कितनी अच्छी प्यारी प्यारी मेमी है। ले जिसको उतार दिया हमने और वो भाग गई है। बड़ी क्यूट और प्यारी प्यारी थी, दोनों की हरकतें चेक करें। ये देखो प्यारी प्यारी जो है ना गाय है, दूर से बड़ी प्यारी लग रही है, पास से इतनी ज्यादा वो ना उसकी हाइट वगैरह ठीक नहीं नजर आ रही थी। बस ये देखे पापा ने ना दो बच्चे गोद ले लिए हैं, मेरे और बतूल की जगह पे अब ये दो बच्चे हैं पापा के। पापा नाम क्या रखा है इनका? ये इसका नाम है मारिया, ये है बतूल। ए, मैं गोरी गोरी हो गई हूँ। ये देखें जी पापा ने इनके नाम भी हमारे नाम से रख दिए हैं, और बड़े प्यारे प्यारे हैं। ये देखें कितने स्वीट लग रहे हैं, पापा भी इनके साथ जो है खेल के खुश हो रहे हैं। ये पापा को खा रहा है। ये देखें मैंने इसे पकड़ा था, मेरे मुंह पर भी जो है इसे पप्पी की थी। रोटी खवावे की खाने। ये देखे पोरियां खाऊगा इन्हें, अगे ना मां का दुध नहीं हैगा सी। अच्छा पिलाने से इधर रोटी खवाने इन्हां नु? आंटी रोटी खवाने फिर इन्हां नु खा लेने आ पानी। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, रोटी खाने वाले बकरे आ गए। निकी निकी पाना फिर चित्ते ए बकरी है ये, बकरा वा बकरा वा बकरा वा, माशाल्लाह बहुत प्यारा। किन्नी उम्र है दी? रोटी खाने बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह बहुत। यहाँ पे भी जो है खाना बांध के ले आई हैं, वहाँ पे भी खाना खिलाती रही हैं। यहाँ पे मेरे खालू रात को सोए थे तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए खाना लाई है ना। होती है गांव की छोरियाँ, मतलब हस्बैंड कहीं पर भी हो उनके लिए खाना बांध कर पैक करके लेके जाना है, और ये मोहब्बतें बड़ी प्यारी लगती हैं है ना। और शहरों में तो अक्सर ऐसा होता है कि बंदा कहता है मेनू मिल गया है ना बस सही है, जिन्हें खाना होगा अभी पकावे अभी खावे जो मर्जी करे। ये मैं हूँ, ये मेरे पापा हैं, और यहाँ पे हमारे पास बकरियाँ हैं और बकरियों के साथ खेड़ियाँ हो रही हैं। ये देखें जी छोटी छोटी पाली पाली, इधर आओ। और मेरी खाल लगी है। तो भी बस जिंदगी में फर्स्ट टाइम जो है दूध बकरी का दूध दोहने की जो है मैं कोशिश करने लगी हूँ। मैंने कहा गांव में आई हूँ तो गांव के कुछ तौर तरीके भी सीख लिए जाए, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है कोशिश करूंगी कि मैं भी गाय भैंसे खरीदूं तो उनका दूध भी तो धोना पड़ेगा ना। तो अभी मैं आंटी से दूध धोना सीखने लगी हूं। पर आज मैंने चोला तो पहले ओए मिनन दियो मिनन ने मिनन मिनन तू ले रहा पहले भाई दूध से चोला दो एक मिनट मैं चोना वा भाई बच्चे चोनी नहीं देंदे वो कहंदे साडा वा खलोन देना हटदा ही नहीं मर के बड़ा कीड़ा है मैंने बकरी का दूध होने की नाकाम कोशिश कर ली है, और पूछे ना मैं कितनी ज्यादा तंग हुई हूँ, इसने मुझे मारा है। चले कोई नहीं, मैंने हार नहीं मानी, मैंने और वीडियोस बनानी है। अभी मैं दो तीन दिन यहाँ पे गांव में मौजूद हूँ ना, तो मैं ना किसी की अच्छी सी मोटी दादी बहन को भैंस कहती हूँ और भैंस को बहन कहती हूँ।
अच्छा मैं ना कोशिश करूंगी किसी की मोटी ताजी भैंस का दूध जो है धोने की। मैंने आखिर आगे जिंदगी में गाय भैंस लेनी है, बच्चे बंदे को दूध धोना तो आना चाहिए ना कम से कम। अच्छा ऐसे आसान काम भी ना आए तो फिर क्या फायदा बंदे का, है ना। तो मैं अभी जो है कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे गाँव की भैंस बकरियों के साथ जरा बना कर रखूँ ताकि जो है ये मुझे चाय पीने के लिए दूध देती रहे। और तब तक के लिए हम जरा बाहर चलते हैं, बाहर का व्यू देखते हैं। ये तो बस अभी हम बाहर निकल चुके हैं और मैंने जो है ना अभी जो है जाना है आंटी की तरफ, उधर जाके चेंज वगैरह करेंगे, न्यू ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, पप्पो के घर जाना है। लेट हम काफ़ी होते जा रहे हैं, तकरीबन 11 बजे का टाइम हो चुका है और मैं अब जो है इस व्लॉग का एंड करने लगी हूँ। बाकी यहाँ पे माशाल्लाह गाँव में आए हैं तो बहुत कुछ है देखने को, तो इसलिए मेरे बहुत सारे व्लॉग यहाँ के जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों ने अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियोस लेकर हाजिर होती रहूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।